प्राचार्य शिक्षक और मेरे प्यारे साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे आप सभी को समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की आदरणीय शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं इस वर्ष भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखना जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। जब आप बने तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आग बंद होती यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी गए कि कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। हमारा भारत देश 200 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। देश को आजाद करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, उदय राम बोस, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। वर्ष 1857 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद और काफी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिशों से आज़ादी मिली और भारत सभी भारतवासियों ने आधी रूप में सांस ली। आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। फांसी चढ़ गए और सीने और गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर। हम शहीदों को प्रणाम करते हैं। 15 अगस्त 1947 को 47 के दिन आज़ादी मिलने के बाद हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुए थे। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत सी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने सालों तक संघर्ष किया था। इस संघर्ष का शुरुआत तब से हुआ जब मंगल पांडे को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। इस संघर्ष में सबसे अहम योगदान महात्मा गांधी जी का माना जाता है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समय समय पर अपने आंदोलनों के जरिए अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस संघर्ष में भगत सिंह भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे जबूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर गए। इस महानी देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर करने वाले 3 वीरों का शहीद दिवस है। यह दिवस न केवल देश को अनुभव कराता है बल्कि वे सपूतों के बलिदान को भी के मन श्रद्धांजलि देता है। उन अमर क्रांतिकारियों के बारे में आम मनुष्य की वैचारिक टिप्पणी का कोई अर्थ नहीं है। उनके उज्ज्वल चरित्र को बस याद किया जा सकता है कि ऐसे मानव भी इस दुनिया में हुए थे जिनके आचरण की वदंती है। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में वैचारिक क्रांति की जो मशाल जलाई है उनके बाद अब किसी के लिए संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत माता जी। धन्यवाद।